हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू SKL चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको अपनी एक्सेस पूरी जो कि मैंने तैयार की, अच्छे से मॉडिफिकेशन जो तैयार की है, वो हम आपको एक एक फीचर बताएंगे विद प्राइस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी की से। तो फ्रेंड, जिसने अभी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने की की। तो आप इसमें देख सकते हैं पूरा लॉकिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं अगर आपने बहुत टाइट पार्किंग में खड़ी की है। तो अभी जैसे मैंने गाड़ी लॉक की तो आप देख सकते हैं ये आवाज़ करने लगी, मतलब एक बार और कोई टच करेगा तो गाड़ी और ज़्यादा देर तक इसका सायरन आवाज़ करेगा। तो यहाँ से आप अनलॉक भी कर सकते हैं और यहाँ से आप टोन भी चेंज कर सकते हैं, मतलब किस टोन में आपको चाहिए, कि मतलब आप जब गाड़ी अपनी फाइंड करें तो आपको कौन सी टोन चाहिए। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। और इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दें। और जिनको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो ये मैंने जो इंस्टॉल किया है लॉकिंग सिस्टम फ्रेंड्स, इसमें कोई भी वायर कट नहीं हुई, मतलब वायर का इसमें कोई काम ही नहीं है। ये अलग से एक मॉड्यूल आता है, बस उसको आपको टेप से लगा देना या फिर आप स्क्रू से लगा देना डबल साइड टेप से। तो मैंने उसको सिर्फ पेस्ट कर दिया, मतलब अच्छे से वो पेस्ट है। और उसमें आपके बस 3 बैटरीज पड़ती हैं जो कि साल भर चलती हैं और उससे ज़्यादा की चलती हैं देर तक। तो उसमें आपका कोई भी मतलब वायर वायर कट का कोई ऑप्शन नहीं है और वाटरप्रूफ भी है। और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 2500 रुपीज़। तो चलिए आप नेट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। और जितने भी पार्ट्स मैंने इंस्टॉल किए हैं अपनी एक्सेस में, जो भी मैंने मॉडिफिकेशंस की हैं, जिनकी जिनकी लिंक मिलेगी मैं डाल दूंगा। और कुछ पार्ट्स आपको मुझसे लेने पड़ेंगे अगर आपको परचेज करना है। तो आप पूरी गाड़ी का लुक देख सकते हैं कि कैसी लग रही गाड़ी फ्रंट से, और जो रेगुलर एक्सेस आती है उनसे काफ़ी अलग लगती है। मतलब ये इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट पर जो हेडलाइट की गार्निश आती है, हेडलाइट कवर क्रोम, उसको मैंने डिलीट मतलब हटा के फुल यहाँ पे कार्बन फाइबर आप देख सकते हैं, कोई रैप नहीं, ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। और सीट भी आप देख सकते हैं, मतलब मैंने सीट कवर इंस्टॉल किया था, फोटोस आपको देख रही होगी स्क्रीन पे। ये कवर मैंने बनवाया था जिसकी कॉस्ट थी 1200 रुपीज़। और बल कुछ रीज़न से मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि मुझे कुछ नया कलर कराना था अपनी एक्सेस की सीट कवर के लिए, तो इसलिए मैंने सीट कवर हटा दिया। और बैक की भी आप लुक्स देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या क्या इस गाड़ी में चेंज है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्टर की। तो दोस्तों, मेरा वाला जो मॉडल है ब्लूटूथ एडिशन वाला, इसमें फ्रंट पे रिफ्लेक्टर नहीं आते, पर इसमें रिफ्लेक्टर लगे हैं, मैंने लगवाए। और यहाँ पर आप इंडिकेटर भी देख सकते हैं, मतलब ये क्रोम आते हैं पर मैंने इसमें स्मोक करा दिया पूरे इंडिकेटर, आप देख सकते हैं पूरा मतलब ऐसे लगता है ब्लैक है। और इसमें जो बल्ब लगे हैं फ्रेंड्स, वो भी LED, मतलब फुल LED बल्ब हैं। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है और उसमें 1000 फ्लैशर भी इंस्टॉल है और लिमिटेड का लोगो लगा हुआ है। तो आप पूरा लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स से, मतलब 1000 लाइट ऑन है तो आप देख सकते हैं कैसा लुक आ रहा है। और ये जो मैंने अभी बात की क्रोम, ये हेडलाइट कवर के आप देख सकते हैं, मतलब कितनी ग्लॉस मार रहा है, ये कितनी शाइन है इसमें। तो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 1500। अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको ये पार्सल करवा दूंगा, ये आपसे इसकी कोई लिंक नहीं, ये आपको मुझसे मिलेगा। और नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो है इसके आप देख सकते हैं बार एंड मिरर, जो कि मैंने इसमें इंस्टॉल किए हैं। इनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, हल्का थोड़ा बहुत स्क्रैच लग गए, क्योंकि इससे पहले मेरी रॉयल एनफील्ड में लगे थे। और यहाँ साइड से आप देख सकते हैं ये एंटी क्लियर मिरर है और इनके थोड़े कॉस्टली होते हैं। ये मैंने बाहर से मंगाया था, जब बैंगलोर से मैंने मंगाया था, इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 2500, मतलब 2500। और आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मैंने पास स्विच भी इंस्टॉल कर रखा है जो कि एक्सेस में नहीं आता है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिटेड का लोगो जो कि मीटर पे लगाया मैंने, ये आपको कंपनी की तरफ से नहीं आता, ये मैंने लगाया बाद में। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो वो है फ्रेंड्स 1000 फ्लैशर, जो कि मैंने इसमें इंस्टॉल किया है, रेस डायनामाइक का फ्लैशर X। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 60 पैटर्न मिल जाएंगे
और 60 तरह के आप मतलब पैटर्न कर सकते हैं, उसमें टेल लाइट भी आपकी फ्लैश होती है और बहुत सारे फ्रेंड इसमें पैटर्न मिल जाएंगे आपको, जो कि आप कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं गाड़ी पे। और जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे वैसे ही आपके 1000 लग मतलब 4 बार ब्लिंक करेंगे, उसके बाद ऑफ हो जाते हैं, और तो काफ़ी कूल फीचर लगता है। तो इसको ऑन करने के लिए एक बार आपको राइट लेफ़्ट और राइट सेंटर कर देना है, जिसके बाद आपके चारों इंडिकेटर चलने लगेंगे। और पैटर्न चेंज करने के लिए सिर्फ आपको लेफ़्ट में कर देना है, जिससे कि आपका पैटर्न चेंज होते रहेंगे। अगर आपको 1000 फ्लैशर बंद करना है तो आप राइट में कर दिए तो आपके चारों इंडिकेटर मतलब बंद हो जाएंगे, नॉर्मल इंडिकेटर आपके वर्क करने लगेंगे। इसमें कोई भी फ्रेंड एक्स्ट्रा स्विच नहीं लगता, कोई भी वायर कटिंग नहीं है, सिर्फ प्लग टू प्लग प्ले है। इसकी मैंने फुल वीडियो बनाई है, आपको दिख जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में, या फिर मैं कहीं आई कार्ड पर डाल दूंगा तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो मैंने इसमें सारे कार्ड इंस्टॉल किया था ब्लैक पेंट करके, पर उसका थोड़ा थोड़ा रंग उड़ गया, तो फिर से अभी इसमें मैं काम करूँगा दोस्तों। तो अब आप पूरा लुक देख सकते हैं गाड़ी का, मतलब इसमें 1000 फ्लैशर लगा है और सारे जो बल्ब होते हैं हाइलोजन आते हैं कंपनी से, पर वो मैंने सबको हटा के LED डाला है, जिसकी आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। और जो फ्लैशर है उसमें भी आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी, जब भी मान लीजिए कभी ख़राब होगा नहीं, वैसे अगर ख़राब भी होता है तो आपको रिप्लेस करके नया मिल दिया जाएगा। तो पीछे भी आप देख सकते हैं मैंने वाइट रेडियम ये लगा रखा है, मतलब थोड़ा लुक के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब फुटबोर्ड के नीचे यहाँ पे सुजुकी का आपको बैजिंग दिख जाएगी। तो इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी 700 रुपीज़ की एक साइड की, और ये दोनों साइड लगा हुआ है पूरा सुजुकी का, मतलब 3D एनवेलप है ये। और ये आप फुट मैट देख रहे हैं, ये भी मतलब अलग से आया है कंपनी की तरफ से, जो आता है उसकी क्वालिटी हल्की होती है, ये मैंने बाहर से मंगाया था, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैंने फुल ब्लैक लिया था, जिससे कि आप देख सकते हैं गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है मैट लगाने से भी। और हेला का इसमें हॉर्न भी इंस्टॉल है। तो दोस्तों जितने भी पार्ट्स इसमें इंस्टॉल है मैंने खुद से इंस्टॉल किए, और कोई भी इसमें वायर कटिंग नहीं, मतलब एक भी वायर आपका कट नहीं हुआ है। फ्लैशर जो मैंने डाला है वो प्लग एंड प्ले वाला है, बिल्कुल आप जो से भी गाड़ी का लेना चाहेंगे आपको मिल जाएगा, एक्सेस का आता है, एक्टिवा का आता है, हर गाड़ी का आपको मिल जाएगा। और आप पूरी गाड़ी का लुक देख सकते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और इसके साइलेंसर पे मैंने मैट ब्लैक कलर किया था, जो कि थोड़ा किसी ने स्क्रैच मार दिए थे, जिसकी वजह से मुझे पूरा हटाना पड़ा। अब मैं इसके लिए कार्बन फाइबर वाला बनवा रहा हूँ, तो जैसे ही वो आएगा तो वो भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और अभी इसमें बहुत जल्दी GPS भी लगने वाला है, GPS ट्रैकर, मतलब आप जिससे कि लाइव लोकेशन देख सकते हैं अपनी गाड़ी की। तो मतलब इंडिया की सबसे ज़्यादा लोडिंग वाली ये एक्सेस है पूरे इंडिया में, और मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने यूट्यूब पर भी बनाई होगी गाड़ी ये। और अभी इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आएंगी, जैसे कि अभी इसमें बूट लाइट इंस्टॉल होने वाली है, और इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल होगी, जैसे कि आप देख सकते जानते ही हैं इसकी मतलब हेडलाइट थी ब्राइट नहीं है, तो इसके लिए वो भी इंस्टॉल होगी। तो आप चलिए कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं कि मतलब अब तक मुझे इसमें कितना खर्चा पड़ा। तो फ्रेंड्स मान ली मोटा मोटा मुझे इसमें अब तक 15,000 रुपये का खर्चा, मतलब अब तक की सबसे ज़्यादा मतलब लोडेड गाड़ी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं रिम पे भी स्ट्रिप लगी थी, मतलब रेड रेडियम लगे, तो वो भी मैंने हटा दिया अभी, तो उस पर कुछ और आने वाला है बहुत जल्दी। तो मैं एक एक करके सबकी वीडियो डालूंगा, बस आपको दोस्तों इतना करना है, मेरे चैनल को प्यार दिखाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देना है, सजेशन देना है कि क्या कराना चाहिए मुझे क्या नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और सारी एसेसरीज़ की मैं आपको लिस्टिंग डाल दूंगा कि क्या एसेसरीज़ कितने की, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चले फ्रेंड्स मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ पूरे आइटम्स की जो जो इंस्टॉल हुए इसमें, और पूरी प्राइस लिस्टिंग के साथ बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हेडलाइट का कार्बन फाइबर वाला कवर है वो मैंने लिया था 1500 रुपये का, और उसके बाद जो LED बल्ब इंस्टॉल हुए हैं वो हैं 1000 रुपये के, 4 LED बल्ब जिसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। और टेल लाइट बल्ब है 800 रुपये का, 800 रुपीज़ का टेल लाइट बल्ब है। और जो लॉकिंग सिस्टम है मैंने रिमोट वाला दिखाया आपको, वो है 2500 रुपीज़, मतलब 2500 रुपये का। बायरेंस मिरर दिखाए वो है आपके 2500 रुपये के। स्मोक इंडिकेटर्स जो मतलब आगे पीछे टेल लाइट तक हुए हैं वो मुझे पड़े थे 700 रुपीज़ के, जिसमें कि आपकी मतलब एलॉय व्हील पे जो रेड स्ट्राइप थे रेडियम थे वो मैंने जो हटा दिया मैंने बताया आपको। फ्रंट के रिफ्लेक्टर लगे हैं जो कि हैं 250-300 रुपये के मुझे पड़े, और लिमिटेड का ही लोगो ये मुझे पड़ा 500 रुपीज़ का। और जो साइड में आप देख सकते हैं दो सुजुकी को 3 एनवेलप जो लगे हैं 3D वाले,
उनकी मुझे कॉस्ट पड़ी है 700 रुपीज़। सीट कवर मैंने मनवाया था 1200 रुपीज़ का, जो कि मैंने रिमूव कर दिया है। फुट मैट मुझे पड़ा था 499 रुपीज़ का। और जो इसके अंदर इंस्टॉल हुए रिले इंस्टॉल हुई है, इंडिकेटर मतलब जो LED इंडिकेटर जलता है, उसमें भी एक रिले लगी है जिसकी मुझे कॉस्ट पड़ी 500 रुपीज़ की। जैसे कि मैंने इंडिकेटर रिले वो नहीं लगाई थी, उससे मतलब ये होता था कि इंडिकेटर हमारा जल्दी जल्दी फ्लैश करता था, क्योंकि जो स्टॉक आती है वो हाइलोजन बल्ब के हिसाब से आती है, पर मैंने LED डाली थी, LED बल्ब डाला था, तो फिर मैंने उसको रिले को भी चेंज किया, जिसकी कॉस्ट मैंने आपको बताई 499 रुपीज़ की। और फ्रेंड्स, अभी इसमें एक CDI भी चेंज होने वाला है, जिससे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस तेज़ हो जाएगी। और इसमें स्पार्क प्लग भी चेंज होने वाला है, एयर फिल्टर भी चेंज होने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और टोटल आप प्राइस अभी मैं आपको लिख के यहाँ डाल दूँगा स्क्रीन पे, तो आपको पूरे लाइव प्राइस की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हाँ इतने इतने का सामान है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी एक्सेस भी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी यूनिक है ये। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।